हेलो नमस्ते दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कि फ़िल्टरलेस चिमनी की सर्विस घर पे कैसे करें। इसकी सर्विस बहुत आसान है। अगर हम बाहर से इसके सर्विस मैन को बुलाते हैं तो 300, 400, 500 जैसे भी जिस भी एरिया के जैसे भी चार्जेस होते होंगे वैसे वो चार्ज कर सकता है। बट इसकी सर्विस बहुत आसान है, आप नॉर्मल तौर पे घर में ही कर सकते हो। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक छोटा सा वीडियो बनाऊं और आप लोग के साथ शेयर करूं, जिससे आप लोग की भी नॉलेज बढ़े। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ये वीडियो दूसरों के भी काम आ सके। तो दोस्तों सबसे पहले जो ऑन ऑफ वाला बटन होता है उसके बगल में एक छोटा सा बटन दिया होता है जिसको क्लिक करना है 2 सेकंड के लिए। उसको हम 2 सेकंड के लिए क्लिक करते हैं। चिमनी 9 मिनट का टाइम मांगती है। सबकी चिमनी अलग अलग टाइम मांग सकती है। मेरी चिमनी ने 9 मिनट का टाइम मांगा था और 9 मिनट के टाइम में जितना भी ऑयल इस चिमनी में था वो उस बॉक्स में आ गया। उस बॉक्स को हमने निकाला और जाली को निकाल दिया। जाली के दो साइड में एक प्लग से होते हैं, उनको घुमाने पर ये जाली बहुत आराम से निकल जाती है। बहुत ही इजी प्रोसेस है इस चिमनी को क्लीन करने का। उसके बाद आप चिमनी अंदर से भी क्लीन कर सकते हो, जैसे कि मैंने क्या कोई कागज़ ले लो, कोई कपड़ा ले लो। मैंने कागज़ लिया था, उस कागज़ की सहायता से मैंने इस चिमनी को पूरा अंदर से साफ़ कर लिया, जो अगल बगल ऑयल लगा हो वो साफ़ हो जाए इसलिए। उसके बाद जो है देखिए कितना ऑयल इसके अंदर भी था। इसके बाद भी मैंने कपड़े से भी साफ़ किया था इसको, पूरी तरीके से इसको क्लीन करके साफ़ करके फिर हमने इसकी जाली धोई, इसका बॉक्स धोया, बहुत अच्छे से इन सबको क्लीन किया, फिर इनको सूखने के लिए रख दिया। ये पाइप हम सोचते हैं कि इधर उधर, मतलब इस पाइप को हिलाना नहीं होता है क्योंकि इस पाइप से ही सारा ऑयल जो है फिल्टर में आता है। उसके बाद हमने ये जाली धोई है और जाली धोने के बाद वो बॉक्स धोया है। बहुत अच्छे से इन चीज़ों को हमने क्लीन किया है। नॉर्मल आप किचन के जो भी बर्तन धोने का साबुन यूज़ करते हो उससे आप क्लीन कर सकते हो। किचन के बर्तन धोने का ही स्कॉच ब्राइट भी यूज़ कर सकते हो, जो कि मैंने यूज़ किया है, आप देख सकते हो वीडियो में। बहुत नॉर्मल, बहुत सिंपल। बस इसको धोने के बाद हमें सूखने का टाइम बहुत अच्छे से देना है। करीब आप 1-1.5 घंटे तक इसको सुखाइएगा। इसमें पानी नहीं होना चाहिए, पानी आपकी चिमनी को ख़राब कर सकता है। तो बस यही सिंपल सा मेथड था। इसके बाद सूख जाए आप दोबारा से इस चिमनी की जाली को और इसके बॉक्स को लगा दें और अपनी चिमनी यूज़ करें। आपकी चिमनी बहुत अच्छे से वर्क करेगी, जैसे कि वो नई हो। हमारी चिमनी तो बिल्कुल नई की तरह वर्क कर रही है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा छोटा सा वीडियो। क्योंकि बस ऐसे ही बना दिया, मैंने सोचा चलो ठीक है कुछ तो जो भी नॉलेज हम। चलिए फिर बाय बाय, दोबारा मिलेंगे किसी और वीडियो में, छोटे छोटे ब्लॉग छोटी छोटी वीडियोस के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो और आप भी वीडियो बनाते रहो। बाय।